अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर की हम बात करने लगे हैं वो है फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर ये इस तरह के रिटेलर्स हैं जिस तरीके से आपको इसके नाम से विजिबल है कि ये रिटेलर नॉर्मली बेस करता है स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्काउंट्स विच मीनस कि जितनी भी प्रोडक्ट लाइन इस तरह का रिटेलर ऑफ़र कर रहा होगा वो नॉर्मली डिस्काउंट की बेस के ऊपर ऑफ़र कर रहा होगा इस तरह के रिटेलर में नॉर्मली आपने इसको वराइटी स्टोर या वराइटी रिटेलर के कॉन्सेप्ट से कन्फ्यूज़ नहीं करना वहाँ पर देर वॉज़ वन सिंपल पॉइंट कि जहाँ पर एक सिंगल पॉइंट प्राइस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्ट को ऑफर किया जाता था जब हम फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर की बात करते हैं तो इसके पास एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज मौजूद है विच मींस प्रोडक्ट की डेप्थ और वेथ और ब्रेथ तीनों चीज़ें मौजूद हैं हीज रेंज ऑफ असॉटमेंट मौजूद है और इस तरह का स्टोर देन आपको एक एवरेज टू गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहा होता है लेकिन एट द सेम टाइम प्राइसेस दे हैव टू ऑफर कंपेटिटिव जब हम कंपेटिटिवनेस की बात करते हैं तो क्योंकि इसका मॉडल डिस्काउंट स्टोर की बेस्ड है डिस्काउंट बेस्ड है फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर हैं तो इस तरह के स्टोर का सारा फोकस इज ऑन द प्राइसिंग नॉर्मली इस तरह के स्टोर्स अगर आप देखेंगे तो इन जनरल दे ऑफर इन एवरी कैटेगरी देर हैज टू बी सम वेरी स्पेसिफिक डिस्काउंट और फिर उन डिस्काउंट्स को सेल करने के लिए दे डू हैवी प्रोमोशंस अच्छा एक बात जो बताना बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के स्टोर्स नॉर्मली दे वर्क लेस ऑन दिनवायरमेंट आगे हमारे पास स्लाइड्स के अंदर यू विल सी दैट कि नॉर्मली दे वर्क लेस ऑन एटमोसफेयर दे वर्क लेस ऑन सर्विसज क्योंकि सारे का सारा फोकस इज़ द प्राइस पॉइंट तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इस तरह के स्टोर्स बहुत ज़्यादा फैशनेबल प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे होते नॉर्मली दे सेल नेसेसिटीज़ मे बी बहुत ज़्यादा हाई क्लास ब्रांड्स को सेल ना कर रहे हो बट दे विल बी सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो और इस तरह के केसेस के अंदर कस्टमर क्योंकि प्राइस, प्राइस प्राइस पॉइंट को फॉलो कर रहा होता है कस्टमर क्योंकि प्राइस कॉन्शियस होता है तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं एक फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर के पास जाऊँ जहाँ पर मुझे तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर एक अच्छा डिस्काउंट मिले फ्राम द कस्टमर प्राइस विच मीन्स मार्केट सेलिंग प्राइस के ऊपर मुझे एक अच्छा डिस्काउंट एक रीजनेबल डिस्काउंट मिले सो दैट आई कैन बाई फ्राम दिस काइंड ऑफ डिस्काउंट स्टोर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ये कंपेटिटिव प्राइस इनको ऑफ़र करनी है और एवरेज एटमासफियर ऑफर करते हैं यानी कि यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इस तरह के स्टोर नज़र नहीं होंगे यहाँ पर आपको एवरेज स्ट्रक्चर नज़र आएगा जहाँ पर रैक्स के ऊपर गुड्स मौजूद होंगी और कस्टमर के पास को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी नॉर्मली जिस तरह हम बात करते हैं प्रेयर एरिया के हवाले से हम बात करते हैं शूज़ एरिया के हवाले से हम प्रेयरली बात करते हैं प्रॉपर तरीके से लट से बेबी चेंजिंग रूम के हवाले से तो इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ या सिटिंग एरिया के हवाले से फैसिलिटीज़ नॉर्मली आपको इस तरह के स्टोर्स के अंदर नज़र नहीं आएंगी इसी तरीके से ये तरह क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर बेस्ड है तो नॉर्मली यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है इफ़ यू मॉन्ट टू हैव फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स तो इस केस के अंदर इस तरह का स्टोर आपको services ऑफर नहीं करेगा फैसिलिटी ज़रूर मौजूद होती है लेकिन अगर आप उस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आपने उसकी प्राइस को पे करना है इसी तरीके से जिस तरह मैंने लास्ट एग्जांपल दी थी इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करनी है लेट्स से आपने एयर कंडीशन बाय किया है एंड यू मॉन्ट टू गेट इट इंस्टॉल्ड तो इस तरह के स्टोर्स नॉर्मली आपको इंस्टॉलेशन फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं बट देर इज़ अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट नॉर्मली पिछले मॉडल के अंदर जब हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ द स्टोर को तो ये उस तरह के स्टोर थे जहाँ पर सर्विसेज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी और बहुत ही मिनिमल चार्जेस के ऊपर मिल रही थी लेकिन इस तरह के फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर्स के ऊपर आपको तमाम सर्विसेज के बदले पे करना पड़ता है जब हम मार्केटिंग परस्पेक्टिव की बात करें तो मोस्ट केसेस के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं विच मीन्स मोस्ट ऑफ़ द केसेस के अंदर ये बिलो द लाइन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं बी टी एल एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं स्टोर बेस्ड एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं अगर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो के एम इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरीके से टारगेट स्टोर इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल जो कि फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर हैं हैव ह्यूज वराइटी ह्यूज डेप्थ ऑफ असार्टमेंट ह्यूज वराइटी ऑफ द दटमेंट कस्टमर को ऑफर करने के लिए इसी तरीके से न्यूजीलैंड की वन ऑफ़ द गुड चेंज हमारे पास है द वेयर हाउस के हवाले से ये स्टोर की वन ऑफ़ द गुड एग्जाम्पल्स है एल डी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ये वो इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं एक अच्छे फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर के हवाले से इसी तरीके से वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है क्योंकि अगर आप वॉलमार्ट के परस्पेक्टिव की बात करते हैं तो दे हैव द ह्यूज कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीडे लो प्राइस ई डी एल पी विच मीन्स कि अगर एक कस्टमर स्टोर के अंदर आएगा और तो उसको रोज़ कोई ना कोई ऑफर्स प्रोडक्ट के ऊपर मिलेंगी बेस्ट ऑफ़र मिलेगी जो कि पूरे टाउन के अंदर मौजूद ही होगी और ऑलमोस्ट क्योंकि ये स्पेल आउट कर रहा है इसलिए आपको ई डी एल पी के नाम से नजर आता है एवरीडे लो प्राइस के लेकिन जब हम तमाम डिस्काउंट स्टोर्स की बात करेंगे तो उन तमाम के अंदर आपको इस तरह की फैसिलिटी नज़र आएगी कि वहाँ पर प्राइस जो हैं वो ऑलमोस्ट एवरीडे लो प्राइस कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं इसी तरीके से हमारे पास लिटिल की एग्ज़ाम्पल है इसी तरीके से हमारे पास टर्किश की, की बहुत अच्छी चेयर है दैट इज़ बिम बिम की बिम बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं पूरे टर्की के अंदर दे हैव ह्यूज स्टोर्स फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर्स हैं और इसकी चेन बिल्कुल मशरूम की तरह फैली हुई है दी ऑब्जेक्टिव इस कस्टमर प्रेफर करता है वाई कस्टमर इज प्रेफरिंग बिकॉज कस्टमर इज गेटिंग एडवांटेज प्राइस एडवाटेज ऑफ इट कस्टमर इज गेटिंग प्रोडक्ट एडवांटेज उसको पता है कि मुझे वन रोर सोल्यूशन नज़र आ रहा है उसको पता है कि मुझे मुझे वन रूफ सोल्यूशन नज़र आ रहा है उसको पता है कि मुझे एवरीथिंग अंडर वन रूफ नज़र आ रही है और बेस्ट प्राइसिस के ऊपर नजर आ रही है और जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नॉर्मली जो दुनिया की वन ऑफ़ द टॉप कंपनीज़ की जगह हम बात करते हैं क्योंकि वॉलमार्ट इज़ वन ऑफ़ द टॉप कंपनीज़ तो फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर जो हैं वो उसको ये दे 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 आर आर द वन ये वो कैटेगरी है जो कि नॉर्मली क्वालिफाई करती है बेस्ट रिटेलर के तौर पर इन जनरल बेस्ट प्रैक्टिस के हवाले से क्योंकि कस्टमर को इस तरह के मॉडल के अंदर प्राइस इज़ द की थिंग तो हमने जितनी भी एग्जाम्पल डिस्कस की हैं फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर के हवाले से उनमें से तमाम बड़े बड़े स्टोर्स इंटरनेशनली भी मौजूद हैं अगर आप उसकी एग्जांपल्स को एक दफ़ा रीकॉल करें जिस तरह मैंने लिडल की बात की या एलडी स्टोर की बात की या टारगेट की बात की या ऑन टॉप वॉलमार्ट की बात की बिम की बात की तो ये वो सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिकॉल करें इन एग्जांपल्स को और देन इस क्राइटेरिया के ऊपर उतारें कि क्या ये तमाम स्टोर्स वो हैं जो एक वाइड असॉटमेंट ऑफर कर रहे हैं टू दर कस्टमर्स और ये प्रोडक्ट ऑफरिंग एक डिस्काउंट कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर कस्टमर को सेल करें